Hello kids, today I am going to explain you the chapter Saving Environment. So let's begin. तो आज मैं क्या करने जा रही हूँ, आपसे शेयर करने जा रही हूँ कौन सा चैप्टर, सेविंग द एनवायरनमेंट. सो ऑल थिंग्स दैट सराउंड अस आर पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. अब हमारे जितने भी सराउंडिंग्स में कोई कुछ भी है, दैट आर द पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. ह्यूमन एक्टिविटी हैज़ ऑल्टर्ड द स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट. Throughout the earth history, there have been changes in its climate. अब लेकिन human activities की वजह से क्या हो गया है, हमारा जो environment है ना वो disbalance हो गया है, isn't it? Throughout the earth's history, there have been changes in its climate. Climate में भी changes होने लगे हैं. क्यों होने लगे? Human activities की वजह से, human के कारण जो हैं, human beings के कारण जो हैं, environment में changes होने लगे हैं. There have been cold and hot periods. This is called climatic change. अब change क्या हो रहा है? एकदम से cold हो जाता है, एकदम से hot हो जाता है, isn't it? Pollution इतना होने लगा है, human activities की वजह से इतना pollution होने लगा है कि untimely जो है cold हो जाता है. It is called climatic change. Climate change can be a natural process. और climate change क्या है? वो climate change is a natural process. However, some scientists believe that over the last two centuries, climate change has been taking place rapidly. अब scientists ने research किया है, वो क्या research किया है कि last two centuries से क्या हो रहा है, climate में बहुत ज़्यादा changes हो रहे हैं जो कि पहले नहीं हुआ करता था, अब changes होने लगे हैं. Human activities have been blamed for the speed at which this change has occurred. और किसको blame किया जा रहा है? Human activities को, isn't it? गर्मी में आप देख सकते कितनी गर्मी पड़ती है, पहले तो इतनी गर्मी पड़ती भी नहीं थी, इतनी गर्मी पड़ रही है, बारिश नहीं हो रही है proper तरीके से, isn't it? और जो November में ही कितनी ठंड होने लगती है, होती है कि नहीं? किस वजह से ठंड हो रही है? Pollution की वजह से ठंड हो रही है. पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है? सन रेज प्रॉपर अर्थ में नहीं आ पाती है, लैंड में नहीं आ पाती है पॉल्यूशन की वजह से. पॉल्यूशन कौन क्रिएट कर रहा है? हु इज़ क्रिएटिंग द पॉल्यूशन? ह्यूमन बींग्स आर क्रिएटिंग द पॉल्यूशन. ह्यूमन बींग्स क्रिएट कर रहे हैं इस पॉल्यूशन को, और जो कि कोई सोच भी नहीं रहा है कि किस तरीके से इस पॉल्यूशन को रोका जाए. नो वन इज़ थिंकिंग. Now let's start the topic, pollution. One of the harmful changes that occurs in the environment due to human activities is pollution. देखिए अभी मैं इसी चीज़ के बारे में बता रही थी, जो बहुत ही important जो harmful activities है, one of the important harmful activities क्या है? Pollution है. Who is creating? Human beings are creating this. Pollution is the contamination of air, water or land by harmful substances. और pollution क्या होता है? It is the contamination of air, water and land. Land में pollutant का mix होना, water में, land में, air में, तो उसको हम बोलते हैं pollution. Air pollution affects the air. Water pollution affects the water and marine life. And land pollution affects the land, destroying life and the environment. अब air pollution क्या हो रहा है? Air pollution से क्या हो रहा है? Air effect हो रही है, okay? Water pollution से क्या हो रहा है? जितने भी marine life हैं वो destroy हो रहे हैं, flora, fauna, ये सारी चीज़ें destroy हो रही हैं water pollution की वजह से. And land pollution की वजह से क्या हो रहा है? लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, क्रॉप्स नहीं हो पा रही हैं ठीक से, isn't it? पानी प्रॉपर नहीं मिल पाता है पीने के लिए. और एक और पॉल्यूशन है, कौन सा है? देयर इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ पॉल्यूशन नोन एज नॉइज पॉल्यूशन, विच इज़ कॉज बाय लॉट नॉइजेस एंड साउंड्स. और एक और पॉल्यूशन है नॉइज पॉल्यूशन, वो किस वजह से होता है? बहुत तेज लाउड नॉइज या साउंड से होता है. All kind of pollution are gradually destroying our planet. और इन
ये जो फोर पॉल्यूशंस हैं इनकी वजह से जो हमारा प्लैनेट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है. आर प्लैनेट इज डिस्ट्रॉइंग ड्यू टू दीज फोर काइंड्स ऑफ पॉल्यूशंस. व्हाट आर दैट? एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन एज वेल एज नॉइस पॉल्यूशन. दीज फोर आर द मेजर पॉल्यूशंस और इनकी वजह से हमारा जो प्लैनेट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है. So we people, we have to think about these four types of pollutions और इसको हमें किस तरीके से control करना है. This is our responsibility to think and act on it. ठीक है, ये हमारी responsibility होती है, आप लोग की responsibilities होती है कि हमें सोचना है कि हम किस तरीके से इन सारे pollutions को रोकें और इस पर act करें. सिर्फ सोचना ही नहीं है, सोचना ही होता है, सोचता तो कोई भी है लेकिन एक्ट करना ज़रूरी होता है. क्योंकि अगर आप एक्ट करेंगे तभी ये पॉल्यूशन रुक सकता है. सोचने से नहीं रुकेगा, एक्ट करने से रुकेगा. ठीक है, सोचिए और एक्ट करिए तभी ये रुकेगा. नाउ एयर पॉल्यूशन, द एडिशन ऑफ हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स टू द एयर कॉजेज एयर पॉल्यूशन. अब एयर पॉल्यूशन क्या होता है? हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स एयर में मिक्स होते हैं, उनकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो जाता है. Air pollution can have natural or human causes. अब air pollution किन two regions की से होता है? What are the reason? What are the causes? Natural or human causes. Alright, there are two causes for air pollution that are natural cause and human causes. Industries and different forms of transportation contribute to air pollution all around the world. अब क्या बोल रहा है? इंडस्ट्रीज़ से जो स्मोक निकलती है, व्हीकल से जो स्मोक निकलता है, इस वजह से भी एयर पॉल्यूशन होता है. ये मेजर कॉज होते हैं जो कि सिर्फ इंडिया ही में नहीं बल्कि पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में ये बहुत ही मेन कारण है. बहुत ही सोचने लायक बात है कि किस तरीके से इसको रोका जा सके. Vehicles, factories and power plants releases chemicals, gases, smoke and soot into the atmosphere. अब जो होती हैं व्हीकल्स से, फैक्ट्रीज से या पावर प्लांट्स जो होते हैं ना, इन ये क्या रिलीज़ करते हैं? केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, गैसेस, स्मोक, सूत. सूत क्या होता है? सूत होता है जलने के बाद ब्लैक कलर का एक प्रोडक्ट वो जमा होने लगता है, दैट इज़ कॉल्ड सूत. ठीक है, ब्लैक ब्लैक कलर का ये होता है वो. अब ये सब जो हम ब्रीथ कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर जा रही हैं जो कि हमारे लंग्स को इफेक्ट करेंगी. स्मॉग इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड मॉइस्चर. अब स्मॉग क्या होता है? इसमें क्या होता है? स्मोक होता है, गैस होता है, मॉइस्चर होता है. और आजकल जो आपको दिख रहा है इस समय आपको स्मॉग दिख रहा है, इजंट इट? इस समय बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है बाहर एनवायरनमेंट में. वो क्या है? स्मॉग है, दैट इज़ स्मॉग. ठीक है, जो ब्लैक ब्लैक सा दिखता है सुबह आप उठते हैं, दैट इज़ नॉट अ फॉग. वो स्मॉग रहता है, वो ब्लैकिश ब्लैक डिपॉजिट्स आपको दिखाई देती हैं, वो स्मॉग है जो कि हम इसमें ब्रीथ कर रहे हैं. इट्स वेरी डेंजरस टू ब्रीथ. Some pollutants in the atmosphere fall back on the earth as acid rain. और कुछ pollutants होते हैं वो rain के through earth में आते हैं तो उसको हम बोलते हैं acid rain. This happens when these harmful gases like sulfur dioxide and nitrogen dioxide combine with the moisture in the clouds. Acid rain क्या होता है? जब एटमॉस्फेयर में हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, मॉइस्चर है, और ये सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं और रेन के फॉर्म में फिर ये नीचे अर्थ में आती हैं तो उसको हम बोलते हैं एसिड रेन. द मिक्सचर प्रोड्यूसेस एसिड रेन, स्नो, हेल और फॉग. तो इनके रूप में ये नीचे आ जाते हैं फिर. स्नो, हेल, फॉग. इन हेल मीन्स ओले जो पड़ते हैं ना, तो उन सब के रूप में ये नीचे आते हैं फिर. इट्स पॉइजन द सॉयल, रिवर, लेक एंड स्ट्रीम. और ये रिवर, लेक, स्ट्रीम को पॉइजन कर देते हैं. इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ.
और ये जो एसिड रेन होता है वो वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर पॉल्यूशन। सो वाटर पॉल्यूटेंट्स एंटर लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स, ओशंस एंड अदर वाटर बॉडीज, दे कॉज वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जिससे हमारा वाटर पॉल्यूट हो रहा है उसको हम पॉल्यूटेंट बोलते हैं। जिससे एयर पॉल्यूट हो रही है उस चीज़ को हम पॉल्यूटेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जो पॉल्यूटेंट है वो कहाँ पे एंटर हो रहा है? लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, ओशंस में और जो भी वाटर बॉडीज हैं उसमें वो एंटर हो रहा है पॉल्यूटेंट्स और कॉज कर रहा है वाटर पॉल्यूशन। सम पॉल्यूटेंट्स डिजॉल्व इन वाटर वाइल अदर्स फ्लोट और गेट डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज। कुछ पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं, ठीक है। पॉल्यूटेड वाटर इज टॉक्सिक फॉर एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो पॉल्यूटेड वाटर होता है वो टॉक्सिक होते हैं। किसके लिए टॉक्सिक होते हैं? दे आर टॉक्सिक फॉर, किसके लिए होते हैं? एक्वाटिक प्लांट्स के लिए वो टॉक्सिक होते हैं एज वेल एज एनिमल्स के लिए वो टॉक्सिक होते हैं। Several pollutants seeps down into ground and pollute groundwater. और कुछ pollutants क्या होते हैं? वो नीचे ground में चले जाते हैं। Seeps down मतलब वो रिस के ना नीचे अंदर ground के नीचे चले जाते हैं, तो वो ग्राउंड वाटर को pollute कर देते हैं। A large amount of sewage ends up in water bodies. अब ये देखिए, ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है कि ये बहुत, ये सीवेज, जो सीवेज वाटर होता है ना, मोस्टली जो सीवेज वाटर होता है वो कहाँ पे जाता है? वाटर बॉडीज में इसको थ्रो कर दिया जाता है। सो हाउस होल्ड वेस्ट कंटेन्स केमिकल्स फ्रॉम सोप्स, वॉशिंग पाउडर्स एंड हाउस होल्ड क्लीनिंग एजेंट्स। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? सीवेज वाटर्स में हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं, सोप होता है, केमिकल्स होते हैं, वॉशिंग पाउडर्स में कितने केमिकल्स होते हैं, सारी चीज़ें ये जाके कहाँ पे मिक्स हो जाती हैं? वाटर में। व्हेन वेस्ट फ्रॉम हाउस होल्ड, फार्म्स एंड इंडस्ट्रीज एंटर रिवर, लेक्स एंड स्ट्रीम्स, दे कॉज एक्सटेंसिव पॉल्यूशन। अब ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज से, फार्म से, हाउस होल्ड से सारा वेस्ट इकट्ठे हो के रिवर के थ्रू, जो है सीवेज वाटर के थ्रू, ये रिवर्स में, लेक्स में एंट्री हो रहा है और बहुत ही मेजर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। सच वाटर कैन हैव मैनी टॉक्सिक केमिकल्स एंड कैरीज डिजीज कॉजिंग जर्म्स। और कई बार क्या होता है, ऐसे वाटर्स में बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, डिजीज़ होते हैं, और फिर यही वाटर क्या होता है, किसी तरह से अगर ये सीप करके अंडर ग्राउंड के अंदर चला गया तो वो ग्राउंड वाटर फिर हम वो यूज़ कर रहे हैं पानी के ज़रिए, तो क्या होता है, फिर हम बीमार पड़ जाएंगे। इज़न्ट इट, कितना, कितनी मेजर प्रॉब्लम है ये पॉल्यूशन, इज़न्ट इट। लैंड पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द डंपिंग ऑफ वेस्ट मैटर, माइनिंग एंड हार्मफुल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब लैंड पॉल्यूशन किस वजह से होता है? कि जो वेस्ट मैटर को या माइनिंग वगैरह, जो कोल माइंस वगैरह से जो सब निकलते हैं, वेस्ट जो निकलते हैं, या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो होती हैं, इनसे जो वेस्ट निकल रहे हैं, ये सारे, इन सब की वजह से लैंड पॉल्यूशन हो रहा है। एग्रीकल्चर वेस्ट क्या हो रहे हैं? जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो रहा है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से लैंड पॉल्यूशन हो रहा है। सॉइल गेट्स पॉल्यूटेड बाय द ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। ओवर यूज़ हम कर रहे हैं, बार बार फर्टिलाइजर्स, बार बार पेस्टिसाइड्स, बार बार इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं। प्रॉपर इंटरवल में यूज़ ना करके उसको हम कुछ कुछ इंटरवल में यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब से क्या हो रहा है? लैंड पॉल्यूशन हो रहा है। ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स की वजह से क्या हो रहा है? लैंड पॉल्यूशन हो रहा है। सॉइल ऑल्सो गेट्स पॉल्यूटेड व्हेन इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल हाउस होल्ड वेस्ट आर डम्प्ड इनटू द ग्राउंड। अब सॉइल और किस तरीके से पॉल्यूट हो रहा है? जब केमिकल्स या नॉन बायोडिग्रेडेबल
जो हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं ना उनके कारण भी लैंड पॉल्यूशन हो रहा है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है जो कि सॉइल में ईजली मिक्स नहीं होता है, जो कि बहुत टाइम लेता है डिके होने में, लॉन्ग टाइम, ईयर्स लगते हैं, मैनी ईयर्स लगते हैं इसको डिग्रेड होने में। जो ऐसे मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक्स वगैरह होते हैं, ये बहुत लंबा टाइम लेता है डिग्रेड होने में, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक वेस्ट होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? उससे नुकसान नहीं होता है। वो क्या होता है? वो सॉइल में मिक्स हो जाता है। और मोस्टली विलेजेस में क्या होता है ना, लोग जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसका वो मैन्योर बना करके, खाद बना के अपने फील्ड में यूज़ करते हैं। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है इसका कोई यूज़ नहीं होता, ये सिर्फ लैंड हमारी ख़राब हो सकती है। और वो सब क्या होता है? ये डंप्ड हो रहा है, लैंड में डंप हो रहा है हाउस होल्ड वेस्ट सच एज प्लास्टिक्स। अब देखिए, प्लास्टिक्स, ग्लास एंड मेटल वेस्ट डू नॉट डिके क्विकली। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल वेस्ट, ये सारी चीज़ें जल्दी डिके नहीं होती हैं। इट टेक्स ईयर्स टू डिके। दे पाइल अप एंड पॉल्यूट द सॉइल। ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे हो करके ये सॉइल को पॉल्यूट कर देते हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या हो गए? प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, ये सब मिलके लैंड को क्या कर रहे हैं? एकदम पॉल्यूट कर दे रहे हैं। सो किड्स, आज मैं बस इतना ही कवर करूँगी आप लोग का टॉपिक। अब जो ग्लोबल वार्मिंग है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर अभी तक आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको मेरे और भी वीडियोज़ मिल सके। सो बाय बाय किड्स एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।